नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो आपके सामने एक नए पाम को लेकर हाजिर हैं और देश से जो है कोने कोने से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने हाथ को पढ़वाने के लिए। तो आप ही जरूर जुड़े, इस हाथ को हम पढ़ने वाले हैं और पूरी लाइफ की प्रेडिक्शन जानेंगे। जातक की उम्र जो है 28 के आसपास है, तो कैसा जीवन यहाँ पर रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद रेखाओं को देखेंगे, सबसे आखिर में माउंट्स को देखेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरे हाथ को पढ़ना। 28 यहाँ पर उम्र है, तो क्या कुछ यहाँ पर जीवन में रहने वाला है। तो देखिए अपनी स्क्रीन पर जो हाथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो हाथ आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रॉपर जो है, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँ, हाथ की हथेली की स्ट्रक्चर काफ़ी कैसे चौड़े पाम हैं, पाम चौड़े हैं, मतलब यहाँ पाम पूरा हाथ जो है स्क्वायरिश बन रहा है। तो मेहनत जो है यहाँ पर नज़र आ रही है, मेहनती हाथ है और आगे बढ़ने की कामना यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन हथेली के मुकाबले अगर फिंगर्स की बात करें, तो फिंगर्स की लेंथ थोड़ी सी एवरेज है, ज़्यादा बड़ी फिंगर्स नहीं है। अगर ज़्यादा बड़ी फिंगर्स होंगी तो कामयाबी आसानी से मिल जाती है, थोड़ा सा मेहनत कम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी क्विक डिसीजन लेने में क्षमता यहाँ पर नज़र आ रही है, तो मतलब जल्दी फैसले व्यक्ति ले लेता है। जल्दी फैसले के कारण कभी कभी तो जीवन में फायदा होता है, लेकिन जल्दबाजी के कारण कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर फिंगर्स की बात करें, तो यहाँ पर इनको दिखेगा कि सूर्य की फिंगर्स थोड़ी सी आपको बड़ी दिखेगी गुरु से, और जो बताता है कि आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भरपूर हैं और लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी सी कम यहाँ पर रहने वाली हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ शनि फिंगर की, तो शनि फिंगर ठीक है, शनि फिंगर की लंबाई जो है ठीक ठाक यहाँ पर है, तो पैसा भी एवरेज रहेगा, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आने वाला, पैसा भी एवरेज रहेगा, जीवन के व्यापन तक यहाँ पर पैसा यहाँ पर जीवन में रहने वाला है। अगर मैं बुध फिंगर की बात करूँ, तो बुध की फिंगर जो है फर्स्ट बैलेंस तक पहुँचने का प्रयास यहाँ पर कर रही है, कम्युनिकेशन स्किल भी एवरेज रहेगी, ठीक ठाक यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर रहेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर थंब की बात करूँ, यहाँ पर हम थंब की बात कर लें, तो थंब ठीक है, थंब के ऊपर एक यप का सिंबल आपको बनता हुआ देखिएगा, जो कंप्लीट है, ठीक है। कंप्लीट है तो मतलब व्यक्ति अपने जीवन में एक बड़े मुकाम पे जरूर पहुँचेगा, एक अच्छी पोस्ट पे जरूर पहुँचेगा, और पैसा भी बहुत सा कमाएगा जीवन में, और पैसा वो बचेगा भी, ऐसा नहीं कि पैसा खर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पैसा बचाएंगे व्यक्ति। और जब यहाँ पर यप का सिंबल बनता है, तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि वैवाहिक जीवन भी इससे जुड़ा हुआ, वैवाहिक जीवन भी काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। पुत्र पुत्र की प्राप्ति होती है, ज़्यादातर पुत्र होने के काफ़ी योग बने रहते हैं अगर यप का सिंबल आपके हाथ में बनता है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलिए ये तो फिंगर्स की बात हो गई, अब माउंट्स को देख लें, माउंट्स यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं इनके। तो यहाँ इस पिक्चर से आपको दिखने को मिलेगा, पहले तो आप यहाँ पर गुरु पर्वत को देखें, गुरु पर्वत काफ़ी इनके स्ट्रॉन्ग है और हाई सेट है। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करना चाहूँ तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पर गुरु पर्वत को स्पेस अच्छी मिल रही है। और जब गुरु पर्वत आपके अच्छे होंगे, तो आपको जीवन में हर लाभ मिलेगा, मतलब जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं, जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं, वो आपको मिलेगा। ख़ास तौर पर वैवाहिक जीवन काफ़ी ज़्यादा सफल होता है, वैवाहिक जीवन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर साइन की बात करूँ, इस पर कोई स्पेसिफिक साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा साइन ये नज़र आ रहा है कि कुछ रेखाएं जो हैं यहाँ से, कुछ रेखाएं आपको यहाँ से माइंड लाइन से, सॉरी माइंड लाइन से नहीं कहूँगा मैं, यहाँ पर जीवन रेखा से कुछ ऊपर उठती हुई आपको नज़र आएंगी। देखिए कुछ ऐसी रेखा आपको ऊपर उठती हुई नज़र आ रही है, तो ये बहुत अच्छा साइन है, एक तरह का हम इसको राजयोग मानते हैं। व्यक्ति जीवन भर तरक्की करता है, अगर गवर्नमेंट क्षेत्र में व्यक्ति जाएगा, उसमें भी सक्सेस उसको मिलेगी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है, और गुरु पर्वत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत जो है काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लैट हो रहे हैं, और इस तरह के शनि पर्वत काफ़ी अच्छे यहाँ पर माने जाते हैं, और भाग्य रेखा भी शनि पर्वत के ऊपर ऐसी पहुँचती हुई आपको दिखेगी, जो बताता है कि जीवन में व्यक्ति अच्छे मुकाम तक पहुँचेगा, और जीवन में शनि पर्वत भी इनको साथ देने वाले हैं, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। लेकिन हल्का सा एक कर्ल ऑफ वीनस बनता हुआ आपको दिखेगा यहाँ पर, देखिए कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको बनती हुई दिख रही है, जो कर्ल ऑफ वीनस बताता है कि व्यक्ति ने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस की है,
इनके परिवार ने, इनके इनके जो फैमिली मेंबर है, इन्होंने प्रॉब्लम फेस की है, इन्होंने गरीबी वो देखी है, लेकिन अब यहाँ पर वो पीरियड नहीं रहा है। लेकिन ये कर्ण अभिनय जो व्यक्ति को सीरियस बना देता है, कभी कभी मूड स्विंग होने के चांस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहा है। सूर्य पर्वत ठीक है, सूर्य पर्वत बहुत अच्छा साइनिक आपको दिखाने को देखने को मिलेगा यहाँ पर। देखिए कंप्लीट फिश का सिंबल, इतना बड़ा फिश का सिंबल काफ़ी कम हाथों में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है, देखिए कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर, ये ऐसे जो साइन होते हैं सेलिब्रिटी के हाथ में होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कहूँगी सेलिब्रिटी बन जाएंगे, लेकिन ये साइन बहुत अच्छा है, बहुत अति उत्तम साइन है, और ये साइन जो है इनको 45 के बाद गजब की तरक्की देने वाला है, बहुत अच्छी तरक्की देगा, और 40 और 45 के बीच में बहुत अच्छी तरक्की, बहुत बड़ा पद इनको मिलने के योग यहाँ पर बनेंगे। बिल्कुल स्पष्ट बीच में बना हुआ है साइन। और अगर मैं यहाँ पर बुध पर्वत की बात करूँ, तो बुध पर्वत के ऊपर आपको खड़ी रेखाएं दिखेंगी जो बताता है कि व्यक्ति मेडिकल फील्ड में भी जाएगा तो उसमें सक्सेस मिलेगी, लेकिन पैसों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साइन होते हैं, तो काफ़ी अच्छी साइन है। अगर मैं यहाँ पर शुक्र पर्वत की बात करूँ, तो शुक्र पर्वत के ऊपर आपको ढेर सी आड़ी रेखाएं दिखेंगी जो बात जातक को चिंतित बनाती हैं। मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया कि जब हाथ पे आपको कर्ल ऑफ वीनस ऐसा बनता हुआ नजर आए, तो जातक के अंदर वो संतुष्टि नहीं आ पाती, वो जीवन में सब कुछ हासिल कर लेगा, सब कुछ हासिल कर लेगा जीवन में, हर मुकाम हासिल कर लेगा, लेकिन संतुष्टि वो नहीं आ पाएगी, कुछ ना कुछ उसके मन में चिंता लगी रहती है, अपने कोई भी हो सकता है, चिंता हमेशा लगी रहेगी, ठीक है। लेकिन इसको स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, और हल्की सी आपको इंडिकेशन भी नज़र आएगी, इनकी जीवन रेखा थोड़ी सी आपको बहुत दूर शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है शुक्र से। तो जो भी पैसा कमाना है, जो भी नौकरी वगैरह करना है, तो घर से दूर होकर ही ज़्यादा तरक्की मिल पाएगी, ये ऐसे चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। चंद्र पर्वत पर कोई ट्रैवलिंग की रेखा नहीं है, तो बिल्कुल सीधा सीधा जीवन रहने का, ज़्यादा कोई यहाँ पर ट्रैवलिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो माइंड लाइन, ये तो मैंने माउंट्स की बात कर ली, चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर जीवन में क्या, यहाँ पर जो रेखाएँ हैं क्या बोल रही हैं। तो जीवन में आप देखें, आप जीवन रेखा को यहाँ पर देखें, यहाँ पर बिल्कुल सीधी और स्पष्ट जीवन रेखा है, अंदर की तरफ है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्थ इश्यूज ज़्यादा नहीं रहने वाले। लेकिन लेकिन देखिए यहाँ पर एक साइन मैंने बताया था, बहुत सारा शुभ साइन है ये, इसके बाद भी लाइन बन रही है, कम से कम मान के चलें कि 20 के आसपास बन रही है, उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा कि कम से कम यहाँ पर 25 के अराउंड ये लाइन बन रही है, और उसके बाद एक रेखा ये रही और ये रही। देखिए ये जो पीरियड बन रहा है इनका 40, और ये यहाँ पर पीरियड बन रहा है 45। मैंने आपको बताया था कि जो इनके साइन जो है सूर्य पर्वत पर बन रहे हैं, बहुत अच्छी तरक्की देने वाले हैं, बहुत बड़ा लाभ इनको कराने वाले हैं इस एज में, जो एज मैंने आपको बताया ना 40 से 45 के बीच में, बहुत अच्छा जीवन इनका रहने वाला है। लेकिन एक हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम भी आपको उस एज में आएगी। देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ से देखिए जीवन रेखा थोड़ी सी टूटती हुई आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन में, बहुत अशुभ साइन में कहूँगा, जीवन के ऊपर कोई ऐसा बड़ा संकट आने के योग जो हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ में जो है थोड़ी सी मंगल रेखाएं चल रही हैं, तो ये संकट जो है टल जाएगा, ऐसा नहीं कि जीवन पे बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर, ये आप कंफर्म माने मानेंगे। और इसकी जो एज बन रही है, हम कैलकुलेट करें तो 38 से 40 की एज ही बन रही है, ठीक है। इस एज में जो है बड़ी प्रॉब्लम आपका फेस करने को मिलेगी, वो एक्सीडेंट के रूप में हो सकता है, बीमारी के रूप में हो सकता है, तो इस एज में थोड़ा सा आपको बच कर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये, और अगर हम कैरियर रेखा कैरलैंड की बात करें, तो कैरलैंड जो स्टार्टिंग से टूटी हुई है, स्टार्टिंग में तो फैमिली पर डिपेंड थे, लेकिन उसके बाद जो है लाइन ठीक है, और 28 के बाद जो है लाइन प्रोमिनेंट और हुई रहे, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा कि जब 35 उन्होंने क्रॉस किया है, जब 40 में एज में पहुँचे हैं, उस वहाँ से लाइन जो है थोड़ी डबल हो रही है, और एक बहुत प्रोमिनेंट लाइन होकर चल रही है। तो कुल मिला के देखने को आ रहा है कि 35 के बाद जो है जीवन काफ़ी तरक्की करने वाला है, और जो मैंने आपको चीज़ बताई ना उस इंसिडेंट के बारे में, उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, ठीक है। और यहाँ पर एक मिस्टिक क्रॉस भी बनता हुआ आपको दिखेगा, ऐसा जो व्यक्ति को पामिस्ट्री वगैरह, मतलब जो बाहरी वर्ल्ड की जो नॉलेज होती है, पामिस्ट्री हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, उसमें इंटरेस्ट दिलाता है, व्यक्ति की सिक्स सेंस काफ़ी अच्छी होती है, अगर उस फील्ड में अगर जाए व्यक्ति तो उसमें सक्सेस पाएगा। और जादू टोना वगैरह में जो जो फील्ड होते हैं, अगर उसमें जाए तो उसका काफ़ी सक्सेस मिलती है। अगर मैं मस्तिष्क रेखा की बात करूँ, तो मस्तिष्क रेखा पे
कोई ऐसा नेगेटिव साइन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लाइन चल रही है, काफ़ी स्पष्ट है, तो कोई ऐसा दोष नहीं है, ठीक है। और अगर मैं हृदय रेखा की बात करूँ तो हृदय रेखा थोड़ी सी डार्क हो रही है, तो थोड़ा सा आपको शुगर से आपको थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। शुगर से रिलेटेड अगर दिक्कतें होती हैं तो ज़रूर होंगी, तो उससे आपको परहेज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर देखें तो हृदय रेखा प्रॉपर यहाँ पर जो है गुरु पर्वत के नीचे की समाप्त हो रही है, तो बिल्कुल रिश्ते नाते भी आप अच्छी तरह निभाएंगे, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहने वाली है, ठीक है। और विवाह के बारे में इन्होंने पूछा था मुझसे, विवाह रेखा को अगर देख लें हम, अगर विवाह रेखा की बात करें तो विवाह रेखा में आपको दो रेखाएं देखेंगी यहाँ पर। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर देखिए एक तो राख रेखा यहाँ पर बन रही है जो काफ़ी जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है, और एक रेखा ऊपर की तरफ है। तो ये किसी तरह का अटैचमेंट, किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, किसी के प्रति जो है थोड़ा सा अटैचमेंट वाली रेखा है, और कोई किसी तरह का रिलेशन हो सकता है जो काफ़ी लंबे टाइम तक चल रहा है, और उसके बाद एक और रेखा बन रही है, तो एक रिलेशन हो सकता है, ठीक है, जो काफ़ी लंबे टाइम तक चले और काफ़ी ज़्यादा डीप रिलेशन हो, लेकिन लव में तब्दील हो उसके चांस काफ़ी कम हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु पर्वत कोई ऐसी रेखा यहाँ पर नहीं बनती हुई दिख रही है, ना कि शुक्र पर्वत की कोई ऐसी रेखा बनती हुई दिख रही है। तो फिर से मैं यहाँ पर इनके विवाह रेखा मंगाऊंगा, क्योंकि कंप्लीट नहीं है, इधर से थोड़ी ढकी हुई है, तो कंप्लीट दोबारा से यहाँ पर मंगाऊंगा। तो काफ़ी प्रोग्रेसिव हाथ मुझे दिखा, थोड़ा सा हेल्थ वाइज उस एज में जो जिस एज में मैंने आपको बताया उसमें सचेत होने की ज़रूरत है, और तरक्की वाला हाथ है, काफ़ी यहाँ पर पॉजिटिव साइन आपके हाथ में दिखे हैं। तो ये मेरी पूरी प्रिडिक्शन, आप इसको शेयर कर सकते हैं, और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें अपने हाथ को बढ़वाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।